हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम क्विज वीडियो। तो एक और ये इमोजी गेम हम खेलने वाले हैं, जिसमें हमको इमोजीज के थ्रू गेस करना है गेम्स को। तो कैन यू गेस द गेम इमोजी? यस, वी कैन गेस। इन दिस वीडियो देयर आर 20 गेम्स, ओके, एंड यू हैव 10 सेकंड्स टू फाइंड द आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट। करो स्टार्ट। नंबर वन, गेस द गेम। यह है कोई रॉकेट, और रॉकेट है, और रॉकेट के बाद क्या है? क्या है रॉकेट के बाद? कुछ बंदे हैं यार। ये कौन सा गेम है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये वाला कौन सा? अमोंग अस। अरे यार, यार ये तो गैस कर लेना चाहिए था मुझे। हाँ, वो शिप में होते हैं ना यार एक तरह का, लेकिन यार ये गैस करना बहुत मुश्किल था, ये इतना ईजी नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें बंदा माइनिंग कर रहा है, और ये कुछ हथियार बना रहा है। माइनक्राफ्ट है ये, नो डाउट माइनक्राफ्ट है। अगर मैंने ये नहीं पहचानता ना, तो मेरी सीरियसली मैं खुद बहुत बेइज्जती फील करता अगर मैंने ये नहीं पहचाना होता तो। ये पक्का माइनक्राफ्ट है? माइनक्राफ्ट है। ओके, थैंक यू सो मच माइनक्राफ्ट इतनी नॉलेज देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। थ्री, ग्रैंड थीफ ऑटो। इसमें तो मुझे 2 सेकंड लगने भी नहीं चाहिए थे इसको बताने के लिए यार। वैसे मैं ना ग्रैंड से ही पहचान लिया था कि ग्रैंड और आगे चोर, ग्रैंड थीफ ऑटो था, तो ग्रैंड थीफ ऑटो, क्योंकि ग्रैंड थीफ के नाम से कोई भी पहचान लेगा कि ग्रैंड थीफ ऑटो है। ग्रैंड के नाम से ही पहचान लेंगे यार, ग्रैंड टूरिज्म तो बाद में आया है। ठीक है, ये फोर्थ है। ये क्या है? ब्लैक होल है, दो भूत हैं। ब्लैक घोस्ट, ब्लैक घोस्ट पर गेम है क्या? नहीं यार, ब्लैक डार्क सोल्स। डार्क सोल्स कौन सा गेम था यार? मैंने कभी नहीं सुना ये। ओके, नेक्स्ट चलो फिर। नेक्स्ट, डेविल मे क्राई। डेविल मे क्राई, ये तो डेविल मे क्राई की मैंने खेला हुआ है, मतलब 2-3 बार खेला हुआ है, लेकिन हाँ खेला हुआ है। नाम मतलब फेमस गेम है ये काफ़ी, डेविल मे क्राई। ओके, नेक्स्ट बिहाओ, लेवल 6। तो हमारे 2 गलत हुए थे। ठीक है, तो गलत के नाम, अच्छा जैसे मैंने याद दिलाया यार, एक और हार्ड सा भेज दिया। ये क्या है? रोड रनर गेम है क्या ये? रोड स्ट्रीट फाइटर। अच्छा, स्ट्रीट यार, वो स्ट्रीट नहीं है, वो गली नहीं है, वो रोड दिखा रखा है तुमने इमोजी में। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉल ऑफ ड्यूटी, देखते ही बता देंगे यार, 1 सेकंड नहीं लगा बताने में। इतना तो हमने गेम्स के बारे में हमें नॉलेज है कि हम मैक्सिमम गेम्स को 1 सेकंड नहीं लगाएंगे बताने में। कॉल ऑफ ड्यूटी, ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी। आगे, नेक्स्ट, लेवल 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे है। चक्कू मार रहा है और ये हाथ जोड़ रहा है। ये कौन सा गेम है यार? असैसिंस क्रीड। अच्छा, वो चक्कू मार रहा है असैसिंस की तरह और वो क्रीड कर रहा है। अच्छा, ओके, असैसिंस क्रीड। चलो लेवल 9 पे चलते हैं। मैप है और नहीं, और ये लोगो है, वो कौन सा लोगो होता है? बैन वाला तो, और ये मैप है बैन तो यार, ये कौन सा है? अनचार्टेड। ओके, अनचार्टेड यार, ये गेम मैंने खेला हुआ है, लेकिन पता है क्या, ये इमोजी से गैस करना वाला बहुत मुश्किल था इसका, सच में मुश्किल था। ठीक है, हाफ लाइफ है ये, नो डाउट ये हाफ लाइफ है, कन्फर्म हाफ लाइफ है। ओके, हाफ लाइफ आंसर, हाफ लाइफ। चलो, मेरे अभी तक 10 में से 5 गलत हो चुके हैं, तो अच्छा वही मैंने लास्ट वाला सही बताया था। ये क्या है? वॉर्म्स हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है। वॉर्म्स ब्लास्ट करके भी कोई गेम है क्या? वॉर्म्स ब्लास्ट, वॉर्म्स, सिर्फ वॉर्म्स है इसका ना गेम का नाम, तो फिर इसमें आगे ब्लास्ट क्यों दिखा रखा है इन्होंने? तो यार सर बताऊँ तो फिर मुझे ये गेम ना पता ही नहीं था, मुझे वॉर्म्स भी नहीं पता था। अगर ये सही भी बता देते ना, वॉर्म्स भी नहीं पता था।
ठीक है ठीक है, रेड अलर्ट। अच्छा ये वो वाला गेम है, कमांड एंड रेड अलर्ट टाइप्स करके गेम था, कमांड एंड रेड अलर्ट टाइप। हाँ पूरा नाम उसका रेड अलर्ट था, ये मुझे पता था ये। ठीक है रेड अलर्ट था, तो हमारे 12 में से 7 ठीक हो गए। ठीक है 12 में से 7 ठीक। वॉच डॉग्स ये भी इजी था यार, ऐसे मैंने ये गेम खेला हुआ है एक दो बारी बस। हाँ लेकिन ये था कि गेम फेमस गेम है और उसको गैस करना इजी है लोगों के लिए। तो वॉच डॉग्स 8 हमारे सही हो चुके हैं और 5 हमारे गलत हो चुके हैं। ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन, ये है, ये पक्का कोई गेम है जिसके पीछे आउट लिखा है। आउट 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 आउट, हाइड आउट नहीं, हाइड आउट गेम नहीं, हाइड आउट तो शायद गेम है लेकिन यार इसमें पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉल आउट यार पत्ते गिर रहे हैं और फॉल आउट गेम होना चाहिए था यार। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया गैस। 15 क्वेश्चन है, RIP थीफ, चोर मर गया, ये कौन सा गेम है, डेथ ऑफ थीफ, टॉम राइडर का RIP और इसमें और थीफ में तो कोई मतलब नहीं बनता। टॉम राइडर ना यार, ये मैं टॉम राइडर का बचपन से फैन हूँ और मतलब मैंने इसके बहुत सीरीज के एंड करा हुआ है, लेकिन ये वाला मुझे इमोजी बिल्कुल समझ में नहीं आया यार, अगर अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हाँ कि अगर आप लोगों में से किसी को समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मुझे भी तो पता चले इस इमोजी का क्या मतलब है, टॉम राइडर से कैसे मीनिंग है इसका। चलो कोई बात नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है गेस द गेम, और ये कौन सा है यार, हाउस ऑफ डेविल गेम है, रेजिडेंट ईविल यार, रेजिडेंट ईविल में डेविल नहीं होते यार, इन्होंने वो डेविल दिखा रखे है ना इमोजी में, उसमें तो जॉम्बीज से होते हैं, नहीं जॉम्बीज नहीं होते उसमें, भूत से होते हैं सॉरी। ओके ये कौन सा गेम है, गेस द गेम, ये है कुछ किंग, कैश ऑफ क्लैंस, किंगडम हर्ट्स, मैंने इस गेम के बारे में सुना ही नहीं है, कभी भी नहीं सुना हुआ, तो मैं मेरे लिए ना इम्पॉसिबल था ये गेस करना। ठीक है मारियो कार्ट हम गेस कर लेंगे इसको, तो हम गेस कर लेंगे मारियो कार्ट है ये, कन्फर्म गेस कर लेंगे। अच्छा हुआ तूने मेरी इज्जत बचा ली, इतना इजी सवाल आ गया ना बीच में। ठीक है मारियो कार्ट, तो मेरे 10 गलत हो चुके हैं और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेरे पास, 10 गलत हो चुके हैं 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये कौन सा है यार, स्वॉर्ड ऑफ थंडर, नहीं स्वॉर्ड ऑफ थंडर नहीं, किंग्स, ये थॉर थंडर यार, मुझे ये गेम पता ही नहीं है यार, मैं कहाँ से गेस करूँगा इसको, मुझे नहीं पता था यार ये गेम, सीरियसली मुझे नहीं पता था ये गेम। कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है और ये प्रिंस ऑफ पर्शिया, फाइनली ये वाला गेम मुझे पता है, और हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये प्रिंस ऑफ पर्शिया, यार नो डाउट ये प्रिंस ऑफ पर्शिया। ओके तो फाइनली हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 20 में से मेरे सही थे 9 और गलत थे मेरे 11। कोई बात नहीं, वो 11 जो भी मैंने गलत दिए थे तो थोड़े हार्ड थे मुझे, मैं नहीं 10 सेकंड में तो नहीं पहचान पाया मैं, बट कोई बात नहीं, इतना तो हमने गेम्स के बारे में हमें नॉलेज है, मैक्सिमम गेम्स को 1 सेकंड नहीं लगाएंगे बताने में। नेक्स्ट टाइम एक और जब ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मैं इंटरेस्टिंग से क्विज लेके आऊँगा, तो मैं थोड़ी सी मेहनत भी करके आऊँगा और थोड़ा सा सीख के भी आऊँगा मैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी। पता है बहुत सारे लोग, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना देखने वाले, उसमें से कम 30% लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।